लास्ट क्लास हमने सिलेंड्रिकल फॉल्ट्स को देखा था, कुछ फॉर्मूलेस देखे थे। अब सिलेंड्रिकल फॉल्ट क्या होता है इस चीज को समझा था। चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, जैसे पहले मैंने बताया सिलेंड्रिकल फॉल्ट थ्री फेज में या थ्री फेज सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में आता है और उसकी वैल्यू पर ही मैग्नीट्यूड होती है और 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। एक वन हर एक आर आर वाई फेज में जो फॉल्ट करंट फ्लो करेगा वो आर की तुलना में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहेगा। ठीक है, तो कुछ प्रोसीजर्स हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। ये आप लोग बनाते बनाते ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या कैलकुलेशन पहले क्या दिया जाता है। पर जनरली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम जो भी क्वेश्चन है आप सिंगल लाइन डायग्राम बना लीजिए, जहाँ पर रेटिंग वोल्टेज और परसेंटेज रिएक्टेंस को मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैंने इसी चीज़ को भी लास्ट क्लास में बोला था कि आप सिंगल लाइन डायग्राम बना लेने के बाद एक बेस के लिए ले लीजिए और उसी के टर्म्स में सारे रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर दीजिए जितने भी हो। और बेस के लिए कैसे चूज करना है इसके लिए आपको कुछ ये है, जनरली जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सिंगल बेस के लिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जनरेटिंग यूनिट है 10 MVA का और ट्रांसफार्मर हमारा 5 MVA का है, तो बेसिकली हम लोग बेस 10 ले सकते हैं या 15 ले सकते हैं, 10 + 5 15 भी ले सकते हैं और आप 10 को भी ले सकते हैं। तो बेस के लिए बनाने का या कोई भी आर्बिट्री वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ क्या होगा कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। तो जनरली क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका रेटिंग क्या है उसके हिसाब से बेस के लिए बनाया जाता है। बेस के लिए मैंने बताया या तो आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 10 MVA का जनरेटिंग यूनिट है और जो ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पे स्टेप अप या स्टेप डाउन ये 5 MVA का है। तो जनरली आप 10 को बेस के लिए ले लीजिए या फिर 10 + 5 15 को ले लीजिए, या फिर आप 30 भी बना सकते हैं, 3030 भी बना सकते हैं या 2020 भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी होगा। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला सिंगल लाइन डायग्राम बना लिए, एक बेस के लिए चूज करके सारे रिएक्टेंस वैल्यूज को उसके टर्म्स में लिख दिए। मैंने इस चीज को भी लास्ट क्लास बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है। जो हमारा फॉर्मूला नंबर 3 था हमारा कि बेस के लिए के टर्म्स में सारे को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता, तो परसेंटेज रिएक्टेंस इन बेस के लिए क्या है, बेस के लिए बाय रेटेड के लिए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस इन आपका रेटेड के लिए, ठीक है। एक और चीज, अगर मान लीजिए परसेंटेज रिएक्टेंस नहीं दिया हुआ है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो आप उसको परसेंटेज रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से, ठीक है। जहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस फॉर्मूला नंबर 1 और 2 से, जहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस क्या था, केवीए इंटू एक्स बाई 10 × KVA², ठीक है। तो ये चार पांच फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो पहला दूसरा आपका जो फॉर्मूला था वो परसेंटेज रिएक्टेंस कन्वर्ट करने के लिए थे। अगर हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू में दिया हुआ है, एलिमेंट का रिएक्टेंस की वैल्यू में दिया है, तो परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने का तरीका क्या है उस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सिंगल लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि परसेंटेज रिएक्टेंस ऑन द बेस के लिए इज द रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के बाद सभी को आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंस वैल्यू है सबको ऐड कर दीजिए, जितने भी रेजिस्टेंस वैल्यू है सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका फुल लोड करंट सिलेक्टेड बेस के लिए पे फुल लोड करंट निकाल लीजिए। ये सब न्यूमेरिकल्स में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग ने
पिछले क्लास में देखा था, सारे दोनों फॉर्मूला यूज हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट नंबर फॉर्मूला नंबर 4 एंड 5, दिस इज। चलिए हम मेमिकल्स पे जाते हैं, राइट टू अंडरस्टैंड द सिमेट्रिकल फॉल्ट। सो देखिए, पैरा हमारा प्रॉब्लम है कि सिंगल लाइन डायग्राम है, जहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस सभी दिया हुआ है। देखिए ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ जेनरेटिंग यूनिट है 150 KVA की, सॉरी 15,000 KVA की, और दूसरा यूनिट क्या है 20,000 KVA का। सो दो जेनरेटिंग यूनिट है, ठीक है। इसका परसेंटेज रिएक्टेंस 30% दिया हुआ है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस 50% दिया हुआ है, ठीक है। फिर इधर ये आपका ये बस बार है, ठीक है। दिस इज द जेनरेटिंग यूनिट, यहाँ कोई रिएक्टेंस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्टेंस ऐड नहीं किया है, उसी में मेंशन होगा कि उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज ये जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये बस बार है, बस बार पे यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ कितना 12,000 वोल्ट, ठीक है। फॉल्ट इस पॉइंट पर हुआ है, फॉल्ट अगर इस पॉइंट पे हुआ है तो इसका रिएक्टेंस कैलकुलेशन कैसे होगा। एक ये पाथ, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट से एक फॉल्ट पॉइंट, और एक ए पाथ, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, फॉल्ट जहाँ हुआ फॉल्ट न्यूट्रल की तरफ जाएगा, तो दो पाथ मिल गया, ठीक है, दिस पाथ एंड दिस पाथ, ठीक है। अब इसका रिएक्टेंस 30% दिया है, इसका रिएक्टेंस 50% दिया है, हमें कैलकुलेशन कैलकुलेट क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है शॉर्ट सर्किट करंट, ये निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट, ये निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट दैट विल फ्लो इनटू द थ्री फेज कंप्लीट थ्री फेज फॉल्ट एट एफ, कितना शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एज यूजल मैंने बताया कि आपको दो यूनिट है, तो बेस के लिए पकड़ लीजिए यहाँ पर 30, आप 20 को भी ले सकते हैं, 30, 20, 60 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ बेस के लिए 35 ले लिया ये, ठीक है, 35 ले लिया, 15 प्लस 20, 15 MVA प्लस 20 MVA, 35 ले लिया गया है, ठीक है। तो 35 KVA ले लिया गया है, तो परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटर ए एट द बेस के लिए डिवाइडेड बाय रेटेड KVA इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड KVA, ये फॉर्मूला था, इसे 70% बन गया, देखो है ना। 15 KVA पर परसेंटेज रिएक्टेंस 30 था, तो 35% KVA बेस KVA पर क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से इसका भी हो गया, 20,000 KVA पर परसेंटेज रिएक्टेंस कितना था 50, और 35,000 KVA पर 57.5, ठीक है। ठीक, सो 15 प्लस 20 35 का, 35 टोटल हो गया, और उससे लाइन करंट कितना जा रहा है, लाइन करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 35, ठीक
एट 12 वोल्ट, 12 kV वोल्टेज कितना हो रहा है? लाइन करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 45,000 kV एट 12 kV इज सिंपल रूट पावर इज इक्वल टू √3 VI cos 5। यहाँ पे cos 5 दिया हुआ नहीं है इसलिए इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो VI √3 VI, I का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पावर 35,000 kVA था तो 35,000 × 10^3, ठीक है, वोल्टेज में आ गया √3 × V। V क्या है? 12 × 12 kV का, तो 12 × 10^3 तो 1684 एम्पियर आ गया। अरे 1684 एम्पियर क्या है? लाइन करेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू है। तो नाउ इधर देखिए ध्यान से, सो इधर से करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है। तो नॉर्मल करंट जो फॉल्ट नहीं है, तो नॉर्मल करंट कितना है? 1684 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने परसेंटेज रिएक्टेंस निकाला, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, साफ दिख रहा पैरेलली ऐड है ना, पैरेलल है ना, पैरेलल हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, पैरेलल है साफ सर्किट से दिख रहा है पैरेलल है। तो ये पैरेलली ऐड किया हमने, तो इट इज 38.89% रिएक्टेंस। अब शॉर्ट सर्किट करंट क्या है? हमने फॉर्मूला जानते हैं, आई क्या है यहाँ पे, जो करंट फ्लो करेगा नॉर्मल कंडीशन में फुल लोड करंट, तो आई की वैल्यू है 1684 × 100/% एक्स 38.89। सो हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया हमारा शॉर्ट सर्किट करंट कितना, 4330 एम्पियर, ठीक है। ये फॉल्ट करंट है, नॉर्मल में कितना करंट फ्लो कर रहा था? 1684, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स, ओके। सो फॉल्ट करंट जब हुआ तो करंट कितना इंक्रीज कर गया? अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स, ठीक है। एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो आइए करंट निकाल लीजिए, जैसे एग्जाम हमने हमने पहले क्या किया था कि परसेंटेज रिएक्टेंस निकाला था, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं एक एक करके। हमने पहले क्या किया कि टोटल करंट निकाल लिया है, उसके बाद फॉल्ट करंट निकाला। इसने क्या किया है कि इंडिविजुअली फॉल्ट करंट निकाला है। इंडिविजुअली फॉल्ट करंट का मतलब जब भी फॉल्ट होगा तो फॉल्ट के समय में जो फॉल्ट होगा तो फॉल्ट के समय में करंट कितना फ्लो करेगा और इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि इंडिविजुअल फॉल्ट करंट नहीं निकाला है, ठीक है। अभी हमने दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है कि इंडिविजुअल फॉल्ट करंट निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल फॉल्ट करंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए दोनों दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों में से कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ठीक है, प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाई कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट करेंट मेथड, ठीक है। इच अल्टरनेट सप्लाई शॉर्ट सर्किट करेंट फॉल्ट, ठीक है, मैंने जैसे बताया तो लास्ट में टोटल ऐड कर दीजिएगा। तो आइए निकालिए, रेटेड के वी अल्टरनेटर का 15,000 था के वी √3 × 10^3 √3 × 12, वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज तो 12 ही है ना, 12 के वी, उससे मेरा आईए करंट निकल गया
नॉर्मल ऑपरेशन में करंट अल्टरनेटर ए वन से ए से कितना फ्लो कर रहा है, 7 21.7 एम्पीयर। ठीक है, अगर अब शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, सिंपल आइए फुल लोड करंट इनटू 100 डिवाइड में परसेंटेज रिएक्टेंस जो मेरा 30 था, ठीक है, दिस वैल्यू। सेम फॉर अल्टरनेटर बी आल्सो, लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फॉल्ट करेंगे, तो देखिए दोनों में सेम फॉल्ट करंट आया। ठीक है, तो दोनों में तो यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो सही लगे आपको। फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरा लिमिटर्स पे, दूसरे लिमिटर्स पे जाते हैं। दूसरा लिमिट क्या बोलता है कि थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट अ 10 kVA, 10 kVA एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड अ रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड टू अ जनरेटिंग स्टेशन बस बार टू 5 MVA ट्रांसफार्मर, स्टेपर ट्रांसफार्मर हैविंग अ रिएक्टेंस ऑफ 5%। द बस बार आर सप्लाइड बाय अ 10 kVA MVA alternator having 10% reactance. Calculate the short circuit KVA fit to the symmetrical fault between phases if it occurs at the load center, यहाँ पर और दूसरा में at the high voltage terminal step up है ना, तो यहाँ high voltage ये होगी यहाँ पर, तो दो point पर निकालना है। अगर fault यहाँ पे होता है तब क्या मेरा fault KVA short circuit KVA, शॉर्ट सर्किट के भी का मतलब कि वहां पर कौन एलिमेंट जो भी लगाएंगे जैसे सर्किट ब्रेकर, उसकी केवीए रेटिंग क्या होगी उस चीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस ये हो रहा है, ये 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, 10 MVA का अल्टरनेटर है, तो बेस को 10 पकड़ लीजिए और उसके हिसाब से ये इसका केवीए रेटिंग चेंज कर दीजिए, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस चेंज कर दीजिए, तभी ना आप उसको सीरीज में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ 10 kVA है और ये 5 MVA का, दोनों का देखिए कहीं पे तो इसका कोई पार्ट नहीं है, तो 10 MVA का ऑल्टरनेटर लेने का क्या फायदा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल से इसीलिए इस तरीके से दिया गया है, रियल में ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ और बस बार होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और आपका बस बार मिलेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज रिएक्टेंस को इसको पहले बेस बना लीजिए, आप 10 को भी बेस बना सकते हैं, 15 बेस बना सकते हैं, 20 बेस बना सकते हैं, तो इट इज इजी टू मेक दिस बेस 10 MVA एज अ बेस लोड, बेस के भी लोड। ठीक है, अरे इसको 5 है, तो देखिए 10,000 और 10 MVA सेम वैल्यू सेम थिंग्स, तो बेस KVA बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज एक्स क्या होगा, सेम चीज 10,000 बेस KVA बाय सेम बेस KVA बाय रेटेड KVA इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट 100 kVA, सो इट इज द सेम वैल्यू फॉर सेम न्यूमेरेटर में न्यूमेरेटर, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बेस KVA डिवाइडेड बाय रेटेड KVA इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट 100 kVA इट विल बी 10%। ठीक है, अब देखिए फॉल्ट अगर यहाँ आता है, फॉल्ट यहाँ आता है, उस केस में एक्स से और एक्स टी दिस इज द इम्पीडेंस रिएक्टेंस फॉर अल्टरनेटर एंड रिएक्टेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर वो था 10%। ठीक है, नाउ लुक लाइन इम्पीडेंस, जो लाइन का इम्पीडेंस है वो दिया हुआ है आपका, देखिए लाइन का इम्पीडेंस जो है वो दिया हुआ है आपका, उसकी वैल्यू दी थी 4 ओम, इट इज 1 ओम एंड इट इज 4 ओम, रिएक्टेंस इज 4 ओम,
4 ओम है तो डेफिनेटली इसको आप चेंज कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए फॉर्मूला नंबर 1 और 2 दोनों इसको एक यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 3 है। तो केवीए रेटिंग 10,000 बेस केवीए इंटू 4, इसके टर्म्स में निकालना है ना, ऑल्टरनेटर के टर्म्स में इसी को बेस केवीए माने थे। 10,000 इंटू 4 सेम चीज है, बेस केवीए बाय रेटेड केवीए इंटू सॉरी इट्स अ केवीए रेटिंग 10,000 रिएक्टेंस ओम 4 10 इंटू कितना वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहा है 10 केवीए है ना। देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, तो देखिए 10 KVA दिया हुआ है, 10 KVA आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। सो 1 और 4 है, इसको भी आपको परसेंटेज रिएक्टेंस में चेंज करना है। परसेंटेज रिएक्टेंस में चेंज होंगे देखिए परसेंटेज रिएक्टेंस को हमने चेंज कर सकते हैं। तो के लिए 10,000 है ना, रिएक्टेंस इन 4 10 10 स्क्वायर इट इज 40%। इसी तरीके से रेजिस्टेंस को भी चेंज करना है हमें, परसेंटेज रेजिस्टेंस क्या हो गया 10%। नाउ सो अब टोटल जितने भी रिएक्टेंस है सभी को ऐड कर दीजिए। सो 10 10 प्लस 40 10 आपका ऑल्टरनेटर का, 10 जनरेटर का सॉरी 10 ऑल्टरनेटर का, 10 ट्रांसफार्मर का, 40 एक्सेल दिस 60% और परसेंटेज डिस्टेंस हो गया 10%। इसका आपको पता है अंडर रूट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल 60.83%। नॉट शॉर्ट सर्किट के भी मिलेगी फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज ISC इक्वल टू I into 100 बाय परसेंटेज x। सो I कितना है, I into I is 10,000। सो अभी सब केवीए रेटिंग है, इट्स बेस केवीए इनटू 100 बाय परसेंटेज x इज द फॉर्मूला नंबर 5, बेस केवीए इंटू 100 बाय परसेंटेज है। सो इट इज 16,440 के लिए नाइन द फॉल्ट अफर सेट F1 पॉइंट। सो F1 पॉइंट पर अगर फॉल्ट आता है तो उस केस में अगर F1 का फॉल्ट आता है ये दोनों को हटा देंगे हम लोग, है ना। तो बस फॉल्ट करंट इधर से आके इधर ग्राउंड चला जाए, ठीक है। सो एक 10 आप 40 को हटा देंगे तो वर्क विल इधर वैल्यू परसेंटेज एक्स ऑल्टरनेटर का ट्रांसफार्मर का 10 प्लस 10 20 हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 की हेल्प से बेस के वी ए इंटू 100 बाय परसेंटेज एक्स इट इज 50,000 KVA। सो देखिए F2 पर सर्किट ब्रेकर अगर यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसकी रेटिंग कम है और F1 पर रेटिंग ज़्यादा है क्योंकि इम्पिडेंस कम है ना, तो डेफिनेटली करेंट हाई होगा। F1 पर इम्पिडेंस और F2 पर इम्पिडेंस, कौन सा इम्पिडेंस ज़्यादा है F2 पर, इसीलिए इसकी KVA रेटिंग
ब्रेकर या डिटेक्टिव डिवाइस की कम हो गई, उतना कम इम्पीडेंस होगा, रिएक्टेंस मिलेगा, उतना हाई करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। इसीलिए रिएक्टर्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपकी जो केवीए रेटिंग है वो कम हो सके, है ना। जो केवीए रेटिंग है, शॉर्ट सर्किट केवीए रेटिंग, सर्किट ब्रेकर या जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो सके, इसीलिए रिएक्टर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्रिकल फॉल्ट। नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जो हमारा रियल फॉल्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।